अगर आपने नूरपुर दही, दूध या मक्खन खाया है तो आपने भी फौजी फूड्स का एक प्रोडक्ट कंज्यूम किया है। फौजी फूड्स फौजी फाउंडेशन की बहुत सी कंपनीज में से एक कंपनी है, लेकिन ये फौजी फाउंडेशन की बाकी कंपनीज जैसे फौजी फर्टिलाइज़र की तरह बिल्कुल भी मुनाफा बख्श नहीं रहा। बल्कि जब से फौजी फूड्स बना है, यानी 1966 से लेके 2023 तक, कोई ऐसे दो कंसेक्यूटिव साल्स नहीं थे जिसमें फौजी फूड्स ने नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हो। तो इस साल क्या चेंजेस आए फौजी फूड्स में जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम बढ़ गई? आइए जानते हैं निस्मा रियाज से, जो कि प्रॉफिट मैगजीन की सेक्टर एनालिस्ट हैं। निस्मा, तो सबसे पहले ये बताएं कि फौजी फूड्स की हिस्ट्री क्या है और पिछले सालों में इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रह चुकी है। 1966 में नून ग्रुप ने ये कंपनी स्टार्ट की थी और ये एक फूड एंड डेयरी कंपनी थी और हाउस ऑफ नूरपुर पाकिस्तान का एक हाउस होल्ड नेम बन चुका था। लेकिन ये बहुत ही वेल परफॉर्मिंग कंपनी नहीं थी, तो फौजी फाउंडेशन ने 2015 में इसको खरीद लिया। उन्हें ये लगा कि वो इस कंपनी को बेहतर बना सकते हैं और इसकी वजह से उन्होंने शुरू में ही बहुत ज्यादा पैसे उस कंपनी में डाल के एक लार्ज स्केल मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कंपनी का उसकी। लेकिन हुआ ऐसा कि अगले कोई 7 साल तक फौजी फूड में इतने मसले थे कि वो कंपनी कभी प्रॉफिट नहीं बना पाई और उनका हर साल लोन और डेट बढ़ता चला गया और उसके साथ साथ उनके लॉसेस में भी इजाफा होता चला गया। इसकी बहुत सारी वजूहात थी जिन पे उन्होंने इस पिछले साल काम किया है, जिसकी वजह से उनको अब मुनाफा हुआ है इस साल। निस्मा, तो आप अपनी स्टोरी में ये बताती हैं कि फौजी फूड्स ने पिछले फाइनेंशियल क्वार्टर में पहली दफ़ा नेट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए, तो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने काफी ज्यादा अपने ऑपरेशंस पे भी काम किया है। हमें ये मालूम हुआ था कि फौजी ने एक रिसर्च कंडक्ट करी और उन्होंने इंडस्ट्री के साथ जब बेंचमार्किंग करी तो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट्स काफी ज्यादा थी। उसकी एक मेन वजह ये थी कि उनकी एनर्जी कॉस्ट्स वर थ्रू द रूफ, क्योंकि वो एक हाई पावर किस्म का फ्यूल यूज करते थे अपनी पावर के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए और ऑफिसेस चलाने के लिए, और जो स्टीम जनरेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है मिल्क प्रोसेसिंग में, उसके लिए वो कोल इस्तेमाल किया करते थे। इसमें मसला ये कि ना सिर्फ ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत बुरा है। उनकी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का एक पार्ट था सस्टेनेबिलिटी। उसमें इन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस किए कि 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगवाया जो कि अब उनकी पावर प्रोवाइड करता है, तो उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस थे जो पहले ऑयल से आते थे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। दूसरी चीज़ उन्होंने ये करी कि उन्होंने कोल का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म करके ग्रीन या बायोफ्यूल की तरफ मूव कर दिया। इसमें ऐसे होता है कि जो क्रॉप का वेस्ट होता है, जिसको यूजुअली जला दिया जाता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है, उन्होंने ये जो स्टब्स होते हैं क्रॉप कटिंग्स के, उनको फार्मर्स से खरीदना शुरू किया। उससे फिर वो बायोफ्यूल जनरेट करते हैं जिससे स्टीम बनती है, और जो एशेज होती हैं उसकी, उसको वो वापस फार्मर्स को बेचते हैं जो वो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। तो फिर ये एक सर्कुलर सा रिसाइकलिंग का इकोसिस्टम बन गया जिसमें वेस्ट और कॉस्ट दोनों बहुत ज़्यादा लिमिट हो गए। इसकी वजह से प्रॉफिट वो बना सके, क्योंकि उनकी जो जितने पैसे वो लगा रहे थे अब वो कम हो गए, तो उस पर उनका मार्जिन ज़्यादा हो गया। सही। निस्मा, ये बताएं कि फौजी फूड्स ने क्या इस साल अपनी इंटरनल गवर्नेंस में भी कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई? जी, फौजी फूड्स का एक सबसे बड़ा मसला ये था कि फौजी ग्रुप का जो फर्टिलाइजर कंपनी है वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग वंस है, और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स थे वो फौजी फूड्स को भी देख रहे थे और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, तो उनकी एक्सपर्टीज बिल्कुल भी इस सेक्टर में लाया नहीं करती थी। फौजी ने ये चीज़ काफ़ी बिलेटेडली रियलाइज किया, लेकिन पिछले कई कुछ 2-3 साल के अंदर उन्होंने एग्जीक्यूटिव लेवल स्टाफ और मैनेजेरियल लेवल स्टाफ चेंज किया। इस दफ़ा उन्होंने अलग ये चीज़ की कि जो लोग हायर किए इन लीडिंग पोजीशंस में वो एक FMCG बैकग्राउंड से आते थे,
और ज्यादातर लोगों का तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस था, या तो फिर डेयरी सेक्टर में या किसी और एफएमसीजी में, या तो फिर मार्केटिंग और कंज्यूमर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज में। तो उनकी जो इनसाइट और जो नॉलेज वो अपनी लाए, उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग काफी बेहतर हो गई ओवरऑल कंपनी के लिए, जिसकी वजह से फिर वो ऐसे सॉलिड चेंजेस कर पाए इस साल में कि मिराक्युलसली पहली दफा कंपनी ने प्रॉफिट्स बनाए। सही नस्मा। अच्छा, मैं आपकी स्टोरी पढ़ रही थी और उसमें मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी, और वो ये थी कि आप बताती हैं कि फौजी फूड्स की नई ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ने उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत मदद की। तो ब्रांडिंग का प्रॉफिटेबिलिटी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि ये एक कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस है, और फौजी की सबसे बड़ी गलती इनिशियली यही थी कि उन्होंने ब्रांड में इन्वेस्ट करने के बजाय एक कमोडिटाइज सेगमेंट जो उनका था दोस्ती के नाम से, वो थोड़ा लो कॉस्ट ऑप्शन है, उन्होंने उस पे ज्यादा काम किया। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हायर थी, और उसकी उन्होंने नूरपुर की ब्रांडिंग बिल्कुल ठीक से नहीं की। मसला ये होता है कि कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेसेस में वॉल्यूम्स काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, और अगर आपका ब्रांड स्ट्रांग नहीं हो तो आप एक मार्जिन भी नहीं रख सकते, इसकी वजह से आपके प्रॉफिट सफर करते हैं। उन्होंने जब ब्रांडिंग पे काम किया तो उन्होंने फोकस किया एक वैल्यू लेड ग्रोथ पे, ये अपनी स्ट्रैटेजी को वो कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि उन्होंने मार्केट एक्रेटिव सेगमेंट पे ज्यादा अपना फोकस किया। तो दोस्ती का जो 85% सेल्स होती थी और नूरपुर की 15% होती थी, उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो पिविट किया जिसमें उन्होंने नूरपुर पे ज्यादा फोकस करके उसकी सेल्स को 85% किया, और दोस्ती वाला जो सेगमेंट था, जो सस्ता कमोडिटाइज सेगमेंट था, उसको 15% पे ले आए। इससे ये हुआ कि वो जो छोटे छोटे दूसरे ब्रांड्स थे उसकी बजाय नेस्ले और ऑलपर्स उनके डायरेक्ट कंपेटिटर्स बन गए, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी चार्ज कर पाते हैं अब, और उनकी एक ब्रांड एक्विटी बन गई, और यू नो लाइक पीपल नो देम बेटर, तो लोग पैसे भी उनको ज्यादा चार्ज करने देते हैं, लाइक दे वर एबल टू कैरी ऑन दैट वो मार्जिन इन्फ्लेशन ऑन टू देयर प्रोडक्ट्स। तीसरी चीज उन्होंने ब्रांडिंग में ये किया था कि ऑन द प्रोडक्ट फ्रंट उन्होंने अपनी प्राइसिंग रिवाइज करने के साथ साथ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स को डिजिटाइज कर दिया, जिसकी वजह से सेल्स के पूरे चैनल पे उनका कंट्रोल बढ़ गया, और वो पहले जो छोटे छोटे बहुत सारे सिटीज में अपना प्रोडक्ट दोस्ती वाला बेचते थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने मेजर 15 सिटीज पे फोकस करके नूरपुर की सेल्स को बॉल्स्टर करने की ज्यादा कोशिश की, और इसकी वजह से आई थिंक उनकी प्रॉफिट मार्जिन पे काफी ज्यादा फर्क आया। निस्मा, आपने कंपटीशन की बात की, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस सडन चेंज की वजह से फौजी फूड्स की अब इंडस्ट्री में क्या पोजीशन होगी, और इससे इसके बाकी कंपेटिटर्स जैसे एंग्रो फूड्स पर क्या असर हो सकता है? तो जो हमारी मिल्क इंडस्ट्री है, ये पूरा सेक्टर है, ये काफी अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इट्स द वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, और हमारा जो फॉर्मलाइज्ड रेगुलेटेड डेयरी सेक्टर है दैट इज जस्ट 7.4%। पाकिस्तान इज वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड डेयरी प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन हमारा जो अनरेगुलेटेड इनफॉर्मल सेक्टर है वो इतना ज्यादा बड़ा है, लूज मिल्क लोग ज्यादा खरीदते हैं, और इसकी वजह से जो मार्केट शेयर का पाई है वो बहुत छोटा सा है। उसमें से नेस्ले इज द बिगेस्ट प्लेयर, जिनकी लास्ट क्वार्टर की रेवेन्यूज वर 5.3 बिलियन रुपीज। अब नेस्ले, हमें ये नहीं पता कि स्पेसिफिकली डेयरी प्रोडक्ट्स का क्या रेवेन्यू या प्रॉफिट है, लेकिन टोटल उनका मार्केट साइज आप इस प्रॉफिट से गेज कर सकते हैं। एंग्रो इज अनदर ह्यूज प्लेयर, इट्स वे स्मॉलर देन नेस्ले बट इट्स स्टिल क्वाइट बिग, और उनका जो प्रॉफिट था वो था 1.33 बिलियन रुपीज, विच इज अगेन वेरी बिग कंपेयर टू फौजी। फौजी ने पिछले साल तक 754 मिलियन तक का लॉस रिकॉर्ड किया था अपने लास्ट क्वार्टर में, जो इस साल का हम देखें वो 22 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट है,
तो वो ऑलरेडी उन्होंने अपने हिसाब से 103% जंप किया है। एक तो वो लॉस से प्रॉफिट पे आए, और उसके बाद आप अगर कंपेयर करें तो इट्स 103% इंक्रीज। उस हिसाब से देखा जाए तो फौजी हैज परफॉर्म क्वाइट वेल, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो इट इज स्टिल अ वेरी टीनी टाइनी बिट ऑफ द पाई। और मसला ये होता है कि ये सारे जो कंपेटिटर्स हैं ये आपस में तो मार्केट शेयर के लिए कम्पीट करते रहे, लेकिन उनके लिए ज्यादा बेहतर ये होगा कि वो मार्केट कन्वर्जन की तरफ जाके पाई का साइज इंक्रीज करने की कोशिश करें। निस्मा, थैंक यू सो मच. आपकी इस हफ्ते की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी. एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर ट्यूनिंग इन, एंड प्लीज़ जॉइन अस अगेन फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो.